हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्पैक्टनेस फॉर मैट्रिक स्पेसेस के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने टोपोलॉजिकल स्पेसेस के लिए हमने कॉम्पैक्टनेस के बारे में पढ़ा, और कॉम्पैक्टनेस में द डेफिनेशन की बात करें तो ओपन कवर की बात होती है। ओपन कवर के पास अगर फाइनाइट सब कवर होगा तो हम उस टोपोलॉजिकल स्पेस को कंपैक्ट बोल देते हैं। और उसका फिर अल्टरनेट हमारे पास एक आया था, कई बार ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर कर प्रूव करना मुश्किल होता है, तो उसके लिए हमने एक थ्योरम प्रूव किया था कि अगर क्लोज्ड सब बेस के पास अगर फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हो, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हो, अगर वो उस क्लास के पास जो क्लोज्ड सब क्लास होती है, अगर वो उसके पास भी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आए, तब भी वो टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो कंपैक्ट हो जाता है। तो सो नाउ हम ये मैट्रिक्स स्पेसेस के लिए पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स स्पेस लीजिए स्पेशल केस ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस। तो यहाँ पे भी कंपैक्टनेस के लिए हम ओपन कवर की डेफिनेशन को छोड़ के कुछ अलग से प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो मैट्रिक्स स्पेस कॉम्पैक्ट है कि नहीं। सो अभी तक जो हमने पढ़ा, ये जो कॉम्पैक्टनेस ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये बहुत ही वाइटल, यू कैन से इम्पॉर्टेंट है थ्रू आउट द टोपोलॉजी। एंड और यहाँ पे बहुत ही एक इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, वेरी यूजफुल एप्लीकेशन इज देयर। बट यहाँ पे हम जो मैट्रिक्स स्पेसेस में करेंगे वो हम ओपन कवर, मैं बता दिया आपको कि ओपन कवर की जो डेफिनेशन है उसको छोड़ के एक अल्टरनेट वे फाइंड आउट करेंगे फॉर कॉम्पैक्टनेस ऑफ कॉम्पैक्टनेस फॉर मैट्रिक्स स्पेसेस। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो हमें वन बाई वन करनी पड़ेगी। तो वल्जेनो वेस्टर्स प्रॉपर्टी, ये अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो बीएससी लेवल में भी हम ये पढ़ते हैं। तो वल्जेनो वेस्टर्स थ्योरम बोलती है कि अगर कोई सेट अगर क्लोज्ड है और बाउंडेड है ऑफ एनी सेट विच इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल लाइन, देन एवरी इनफिनाइट सबसेट ऑफ एक्स हैज ए लिमिट पॉइंट इन एक्स। ये आपने बीएससी लेवल में वल्जेनो वेस्टर्स थ्योरम पढ़ी है। तो इसी से हम इसी का सेम लगभग वल्जेनो वेस्टर्स प्रॉपर्टी की बात करें, तो कोई भी मैट्रिक्स स्पेस है हमारे पास, उसके पास वल्जेनो वेस्टर्स प्रॉपर्टी तभी होगी अगर एवरी इनफिनाइट सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस हैज ए लिमिट पॉइंट। तो इसका मतलब उस मैट्रिक्स स्पेस से कोई भी हम इनफिनाइट सबसेट लेते हैं तो उस सबसेट के पास एक लिमिट पॉइंट होना ही चाहिए। एंड आई नो, आई सपोज कि आपको लिमिट पॉइंट के बारे में पता है, व्हाट दिस मीन बाय लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे ये देखो, ये है आपके पास 1, 1/2, 1/3, 1/4, लाइक दिस। जैसे इनफाइनाइट सबसेट है और इसके पास लिमिट पॉइंट जो है वो जीरो होता है। सो दैट टाइप ऑफ इस इनफिनाइट किसी भी कोई भी अगर हम मैं उस मैट्रिक्स स्पेस में से कोई एक इनफिनाइट सेट सबसेट लेते हैं तो उसके पास ऑलवेज लिमिट पॉइंट होना चाहिए। अगर लिमिट पॉइंट होता है एवरी इनफिनाइट सबसेट के पास, तो हम बोलेंगे कि उस मैट्रिक्स स्पेस के पास वेल्जेनो वेस्टर्स प्रॉपर्टी
एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट इज सीक्वेंसली कंपैक्टनेस, दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द डेफिनेशन इज कि अगर एक मैट्रिक स्पेस में कोई भी एवरी सीक्वेंस हैज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ठीक है, मैट्रिक स्पेस में हर सीक्वेंस के पास अगर एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी तो हम बोलेंगे कि वो जो मैट्रिक स्पेस है वो सीक्वेंसली कंपैक्ट है। क्लियर? तो मैट्रिक स्पेस के पास अगर हर सीक्वेंस के पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी तो हम उस मैट्रिक स्पेस को बोलेंगे कि वो सीक्वेंसली कंपैक्ट है। और फ्रेंड्स ये जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं, अब यहाँ पे हम ये प्रूव कर देंगे कि जो मैट्रिक स्पेस सीक्वेंसली कंपैक्ट है उसके पास वाल्जेनोवेस्टर्स प्रॉपर्टी होगी, और जो कंपैक्ट मैट्रिक स्पेस होगा उसके पास भी वाल्जेनोवेस्टर्स प्रॉपर्टी होगी। तो इट मीन दैट इट बोथ वेज ट्रू करेंगे हम इसको, सीक्वेंसली कंपैक्ट है तो वाल्जेनोवेस्टर्स प्रॉपर्टी होगी, और वाल्जेनोवेस्टर्स प्रॉपर्टी होगी तो कंपैक्ट होगा। इट मीन दैट ये दोनों प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं हम क्या करने वाले हैं, इक्विवेलेंट प्रूव करने वाले हैं। गॉट माय पॉइंट? तो अगर ये दो प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, ठीक है, तो कंपैक्टनेस की बात होगी। उसके लिए हमें सबसे पहले एक थ्योरम यूज करना पड़ेगा, तो ये थ्योरम हमने मैट्रिक वाला जो सेक्शन था उसमें करा था। दैट थ्योरम इज कि अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है मैट्रिक स्पेस में और उस कन्वर्जेंट सीक्वेंस के पास इनफिनाइट मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, देन द जो लिमिट ऑफ द सीक्वेंस होगी, द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस विल बी द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द सीक्वेंस, मीन टू से दैट रेंज ऑफ द सीक्वेंस। तो जो लिमिट ऑफ द सीक्वेंस होगी वो लिमिट पॉइंट ऑफ द रेंज ऑफ द सीक्वेंस होगी। व्हाट माय पॉइंट? क्योंकि इनफिनाइट मैनी पॉइंट्स हैं तो इसके पास जो भी इनफिनाइट मैनी पॉइंट्स होंगे उसको हम एक सेट में लिखेंगे, ठीक है, इनफिनाइट मैनी पॉइंट्स होंगे तो ऑब्वियस है ये सेट इनफिनाइट बन गया, और इस इनफिनाइट सेट के पास जो लिमिट पॉइंट होगा, सेट के पास लिमिट पॉइंट होता है और सीक्वेंस के पास लिमिट होती है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिमिट एंड लिमिट पॉइंट। तो इस सेट का जो लिमिट पॉइंट होगा वो इस सीक्वेंस का लिमिट होगा, वो ये थ्योरम अश्योर करती है। सो हम ये थ्योरम भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट थ्योरम, व्हाट एंड थ्योरम इज ए मैट्रिक स्पेस, ए मैट्रिक स्पेस इज सीक्वेंसली कंपैक्ट इंप्लाइड बाई इट हैज द वोल्जेनो वेस्ट्रास प्रॉपर्टी। तो पहली थ्योरम तो हमारी जो प्रूव करने जा रहे हैं वो ये बताती है कि दोनों प्रॉपर्टीज इक्विवेलेंट है, ठीक है, जो मैट्रिक्स स्पेस सीक्वेंसली कंपैक्ट होगा वो उसके पास वाल्जेनो वेस्ट्रास प्रॉपर्टी भी होगी, और जिसके पास वाल्जेनो वेस्ट्रास प्रॉपर्टी होगी वो सीक्वेंसली कंपैक्ट भी होगा। तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हम मैट्रिक स्पेस मान लेते हैं, लेट एक्स बी ए मैट्रिक स्पेस एंड गिवन मान लेते हैं एक्स इज सीक्वेंसली कंपैक्ट, और हमें टू प्रूव करना है एक्स हैज
वेल्जानो वेस्ट्रास प्रॉपर्टी में ये प्रूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वेल्जानो वेस्ट्रास प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इनफिनाइट सेट लेंगे और उस इनफिनाइट सेट के पास एक लिमिट पॉइंट होगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट कैपिटल ए वी एन इनफिनाइट सबसेट सबसेट ऑफ एक्स, ठीक। तो इनफिनाइट है इसका मतलब हम यहां से इस इनफिनाइट सेट से एक सीक्वेंस बना सकते हैं, ठीक। सो व्हाट वी डू, ए सीक्वेंस, सीक्वेंस एक्स एन ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए, क्लियर। ए के पास इनफिनाइट मनी एलिमेंट्स थे तो हमने उनसे से उन पॉइंट से एक डिस्टिंक्ट पॉइंट की एक सीक्वेंस बनाई, क्लियर। अब इस सीक्वेंस के पास डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं और हमें क्या दिया हुआ है कि ये सीक्वेंस जो है, ये जो कैपिटल एक्स है वो सीक्वेंसली कंपैक्ट है। वो सीक्वेंसली कंपैक्ट का मतलब है कि इस सीक्वेंस के पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो, ठीक। सो देयरफॉर इट मींस दैट सीक्वेंस एक्स एन बी ए सीक्वेंस इन एक्स, क्योंकि ए जो है वो एक्स से बना तो ये सीक्वेंस एक्स में हो गई, बट एक्स इज सीक्वेंसली कंपैक्ट। अगर ये सीक्वेंसली कंपैक्ट है सो देयर इंप्लाइज या देयर एग्जिस्ट ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, देयर एग्जिस्ट ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ऑफ एक्शन, ठीक। एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा, क्लियर। और अगर ये इसका मतलब जो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी तो बिकॉज ऑफ दिस थ्योरम, अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है उसके पास इनफिनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं तो जो उस सीक्वेंस का लिमिट होगा वो लिमिट ऑफ द किसका जो लिमिट होगा लिमिट ऑफ द सीक्वेंस जो होगा वो लिमिट पॉइंट होगा, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ द सीक्वेंस। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट देयर एग्जिस्ट ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन विच कन्वर्जिस टू एक्स, ठीक। तो ये इस सीक्वेंस का लिमिट हो गया। सो वाई So, why above mentioned theorem
ये थ्योरम आपने यहाँ पे मेंशन जरूर करनी है. सो दिस एक्स विल बी x is a limit point of the set of points of the subsequence. और ये जो सब सीक्वेंस था, सिंस दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ ए, जो सब सीक्वेंस के एलिमेंट हैं वो तो ए से आए हैं, इसका मतलब दिस ये सेट जो होगा वो ए के अंदर होगा. सो यहाँ से ये क्या हो गया, यहाँ से ये प्रूव ये हो गया कि दिस इज एक्स जो है, एक्स इज आल्सो ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए. देखिए जो x था वही a का लिमिट पॉइंट बन जाएगा. आई थिंक यू गॉट द दिस प्रूफ. यू विल सी वेरी सिंपल. सबसे पहले हमने एक इनफिनाइट सेट लिया और उन इनफिनाइट पॉइंट से हमने एक सीक्वेंस एक्सट्रैक्ट कर ली और वो सीक्वेंस कहीं ना कहीं x में होगी और एक्स आपका सीक्वेंसली कम्पैक्ट है. अगर सीक्वेंसली कम्पैक्ट है तो उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी और अब वो कन्वर्जेंट है तो किसी न किसी पॉइंट को तो कन्वर्ज करेगी. तो हमने मान लिया कि वो पॉइंट एक्स को कन्वर्ज करती है और ऊपर हमने थ्योरम लिख रखा है. वो थ्योरम ये बोलती है कि जब भी वो जिस कन्वर्जेंट सीक्वेंस का जो लिमिट होता है वो लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस होता है. इट मीन दैट ये जो एक्स होगा it will be the limit point of set of points of the subsequence. और जो subsequence के element हैं वो definitely a से ही आए होंगे, तो वो set a का subset होगा. तो इसका मतलब ये जो x limit point of a है, limit point of subset of a है, तो definitely वो a का भी limit point होगा. तो यहाँ से हमने ये prove कर दिया कि X has Walzano-Weierstrass property. ठीक, अब हम आते हैं कन्वर्स के ऊपर. सो व्हाट वी कन्वर्स, कन्वर्स में क्या होगा, कन्वर्स में हमारे लिए गिवन हो जाएगा एक्स हैज Walzano-Weierstrass प्रॉपर्टी एंड टू प्रूव करना पड़ेगा हमें कि एक्स इज सीक्वेंसली कंपैक्ट. ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए हमें सबसे पहले एक let us assume that every infinite subset of x as a limit point. ठीक, तो ये कहीं ना कहीं आपका गिवन को ही मैंने लिख दिया कि Walzano-Weierstrass प्रॉपर्टी का मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी कि कोई भी एवरी इनफिनाइट सबसेट होगा एक्स का उसके पास लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा. और हमने सीक्वेंसली करना है तो हमारे को हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि कोई आर्बिट्रेरी सीक्वेंस लेंगे उसके पास एक कन्वर्जेंट
सब सीक्वेंस होने चाहिए। तो मैं लेट करके लेट लेता हूँ, यहाँ पे एक सीक्वेंस ले ली मैंने, लेट सीक्वेंस एक्स एन वी एन आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी सीक्वेंस इन एक्स। ओके, तो अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। अब इस सीक्वेंस के पास हो सकता है कि कुछ टर्म जो हो वो रिपीटेड हो, ठीक है, रिपीटिंग टर्म्स हो सकती हैं, और कुछ हो सकते हैं कि कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो सकती हो। रिपीटिंग का मतलब है कि कांस्टेंट सीक्वेंस भी हो सकती है। अब सीक्वेंस में अगर कोई टर्म रिपीट करना शुरू कर देगी तो वो रिपीट ही करती रहेगी, तो जब वो रिपीट वाला पार्ट हुआएगा तो रिपीट वाला जो पार्ट होगा वो उसका सब सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक। सो देयर इज टू पॉसिबिलिटीज, तो फर्स्ट ले लेता हूं मैं, इफ सीक्वेंस एक्स एन हैज ए पॉइंट विच इज इनफाइनाइटली रिपीटेड। तो जो अगर इन कोई पॉइंट बार बार रिपीट कर रहा है तो उन पॉइंट्स का एक हमें सीक्वेंस मिल जाएगी, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस मिलेगी, देन इट हैज ए कॉन्स्टेंट सबसीक्वेंस, और सबसीक्वेंस होगी, और हमें पता है जो कॉन्स्टेंट होती है वो तो ऑलवेज कन्वर्जेंट होती है। सो एंड दिस सबसीक्वेंस इज क्लियरली कन्वर्जेंट, ठीक है। तो जो टर्म रिपीट कर रही है बार बार तो उसको हम लेके एक सीक्वेंस बन जाएगी, वो सब सीक्वेंस होगी और कॉन्स्टेंट सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट होती, तो इस पार्ट में तो ये क्लियर हो गया कि एक्स जो है वो सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट है। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि कोई भी टर्म रिपीट ना करे, सारी की सारी सीक्वेंस की टर्म जो हो वो क्या हो, इनफाइनाइटली सारी की सारी टर्म्स हो वो डिस्टिंक्ट हो, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो गिवन तो इस पार्ट में गिवन तो कहीं यूज ही नहीं हुआ, ठीक है, तो गिवन वाला पार्ट डेफिनेटली सेकंड पार्ट में ही होगा जब सारी की सारी टर्म जो होंगी वो डिस्टिंक्ट होंगी। इफ सीक्वेंस एक्स एन हैज नो पॉइंट विच रिपीटेड इनफाइनाइटली, देन then the set A has a limit point then set A of points then set A पहले limit point की बात पहले करते हैं, पहले A हमें ले लेते हैं सारे के सारे दो, the set A of the points of this sequence, is infinite. अब यह हमारे जो given है वो use हो, ठीक है, कोई भी point repeat नहीं कर रहा है sequence का, तो हमने सारे के सारे points जो है वो A में डाल लिए और उसको हमने ए सेट ए बोल दिया, और डेफिनेटली सेट ए के पास कितने पॉइंट हो गए, इनफाइनाइट,
क्योंकि सीक्वेंस के पास इनफिनाइट पॉइंट्स होते हैं, और हमने ये मान लिया कि कोई भी पॉइंट जो रिपीट नहीं कर रहा, तो इनफिनाइट पॉइंट्स हो गए। अब हम यहाँ पे गिवन यूज कर सकते हैं। गिवन ये बोलता है कि कोई भी इनफिनाइट सेट है उसके पास एक लिमिट पॉइंट जरूर होगा। तो बाई गिवन, बाई गिवन द सेट ए हैज ए लिमिट पॉइंट एक्स, ठीक, एंड इट इज इजी टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एक्स एन। इस एक्स एन से वो पॉइंट्स हम एक्सट्रैक्ट करेंगे जिस जिस सीक्वेंस का ये एक्स जो है वो लिमिट बन जाए। तो इट इज इजी टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एक्स एन ए सब सीक्वेंस विच कन्वर्जेस टू एक्स। ओके, क्योंकि हम इस सेट के पास जो इनफिनाइट पॉइंट्स हैं, तो जब ये एक्स उसका उस सेट का लिमिट पॉइंट है, तो इस पूरे सेट में से हम क्या करेंगे, कुछ एक पॉइंट्स उठाएंगे और उन पॉइंट्स से हम एक सीक्वेंस बनाएंगे, और वो सीक्वेंस जो है वो इस एक्स को कन्वर्ज करेंगे। ठीक, तो वही लिखा है, इट इज इजी टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सीक्वेंस एक्स एंड इज सब सीक्वेंस विच कन्वर्जेस टू एक्स। तो इन बोथ वे बोथ केसेस वी प्रूव दैट कि सीक्वेंस एक्स एन के पास एक कन्वर्जेंट सबसे सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी। सो वी कैन से हेंस एक्स इज सीक्वेंसली कंपैक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। सो दिस इज वेरी इजी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट थ्योरम इज एवरी एवरी कंपैक्ट मैट्रिक्स स्पेस हैज द वेल्जानो वेस्ट्रास वेल्जानो वेस्ट्रास प्रॉपर्टी। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले हमने प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स की वल्जेनो और सीक्वेंसली कंपैक्ट आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। अब हम बोल रहे हैं कि कोई भी मैट्रिक्स स्पेस कंपैक्ट होगा तो उसके पास वल्जेनो वेस्ट्रास प्रॉपर्टी जरूर होगी। फिर नेक्स्ट वाले में हम ये प्रूव कर देंगे कि जो कंपैक्ट मैट्रिक्स स्पेस होगा उसके पास वो सीक्वेंसली कंपैक्ट भी होगा, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है तो वो ऑब्वियस है, होल्ड कर जाएगा। सो लेट एक्स वी ए कंपैक्ट मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है, और वेल्जेनो वेस्ट्रास प्रॉपर्टी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक इनफिनाइट सबसेट लेना पड़ेगा एक्स का और उसके पास लिमिट पॉइंट होना चाहिए। ठीक, तो हम साथ में एक इनफिनाइट सबसेट ऑफ एक्स ले लेते हैं। ठीक, और यहां पे हम एज्यूम कर लेते हैं, वी एज्यूम दैट ए हैज नो लिमिट पॉइंट, ए हैज नो
लिमिट पॉइंट, तो डेफिनेटली वी गेट ए कंट्राडिक्शन, हमें कंट्राडिक्शन आएगी आएगी, क्योंकि ए के पास लिमिट पॉइंट होगा तभी वो एक्स के पास वल्जेनोगास्टर्स प्रॉपर्टी होगी। सो देखते हैं कंट्राडिक्शन कैसे आती है। तो सबसे पहले सिंस ईच पॉइंट ऑफ एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ठीक, हमने ये एज्यूम कर लिया कि कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब हर पॉइंट ईच पॉइंट ऑफ एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। सो ईच पॉइंट ऑफ एक्स इज द सेंटर ऑफ एन ओपन स्फीयर, ठीक है, हमने हर पॉइंट की क्या ले ली, नेबरहुड ले ली, ठीक है, मैट्रिक स्पेस में नेबरहुड हम ओपन स्फीयर ही लेंगे, और डेफिनेटली इस ओपन स्फीयर के अंदर ओनली एक ही पॉइंट होगा, ठीक है, एक से ज्यादा पॉइंट होगा तो फिर तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। सो ईच पॉइंट ऑफ एक्स इज द सेंटर ऑफ एन ओपन स्फीयर विच कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ ए डिफरेंट फ्रॉम इट्स सेंटर, ठीक है, और आपको पता है यही लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होती है। जब हम लिमिट पॉइंट डिफाइन करते हैं तो उस पॉइंट के ऊपर जब हम कोई नेबरहुड बनाएंगे तो उसके अंदर उस पॉइंट को छोड़कर ए का एटलीस्ट एक और एलिमेंट आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि कोई भी पॉइंट जो लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब उस पॉइंट के ऊपर जब हम बनाएंगे तो उस पॉइंट को छोड़ के और कोई भी पॉइंट ए का नहीं आएगा, ठीक, क्लियर होगी बात, ये सीधा डेफिनेशन से आ गया ये। तो द क्लास ऑफ ऑल दीज these open open spheres is an open cover, is an open cover और हमने ये माना है कि a के पास infinite points है ना, and by assumption by compactness, by the compactness क्या बोलती है कि अगर x जो है वो compact है तो x के जो open cover होगा उसके पास finite sub cover होने चाहिए, finite sub cover होना चाहिए, x के open cover के पास finite sub cover होना चाहिए। So by compactness there exist a finite subcover, got it? So अगर subcover finite हो गया तो इसका मतलब हो गया that implies जो a है a is finite and which is contradiction, which is contradiction diction the fact that a is infinite। तो इट का इसका मतलब है जो हमने माना था वो गलत माना था, इसका मतलब there implies
हैज ए लिमिट पॉइंट, अगर एक लिमिट पॉइंट होगा एफ ए के पास, सो एक्स हैज वेल्जानो वेस्टास प्रॉपर्टी, सो दिस इज द प्रूफ। तो इट मीन दैट अब अगर हम ये बात करें कि हमने ये प्रूव कर दिया कि देखो अगर नोट फॉर्म में देखो अगर हम, तो वल्जेनो वेस्ट्रास प्रॉपर्टी जिसके पास है वो सीक्वेंसली कंपैक्ट है, ठीक है, और हमने यहाँ पे बोल रहे हैं जो कंपैक्ट है मैट्रिक्स स्पेस है उसके पास वेल्जेनो वेस्ट्रास प्रॉपर्टी होगी, और इन दोनों के बीच में सीक्वेंसली कंपैक्टनेस तो पहले ही है। इट मीन दैट जो कंपैक्ट मैट्रिक्स स्पेस होगा उसके पास सीक्वेंसली कंपैक्टनेस, वो सीक्वेंसली कंपैक्ट भी होगा। सो अगर एग्जाम में इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो हम इसको दोनों प्रूव कर सकते हैं, पहले हमें ये फर्स्ट वाली थ्योरम प्रूव करनी पड़ेगी और फिर हम ये सेकंड प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको थ्योरम इस तरह से आता है कि एवरी कंपैक्ट मैट्रिक्स स्पेस हैज या एवरी कंपैक्ट मैट्रिक्स स्पेस इज सीक्वेंसली कंपैक्ट, तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि सीक्वेंसली कंपैक्टनेस और वल्जेनो वेस्ट्रास जो है वो इक्विवेलेंट है, तो हमें ये थ्योरम प्रूव करना पड़ेगा। सो आई थिंक यू गॉट दिस आइडिया हाउ टू, तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। Thank you.